ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, उसका ऊंचाई है। ठीक, ये चौड़ाई है, लंबाई है, और इसका ऊंचाई है। तो इस तीनों को हम लोग गुणा कर दें तो उसका आयतन आ जाएगा, मतलब उसके अंदर हम लोग कितना वस्तु डाल सकते हैं, कितना ईंटा अट जाएगा, उसको हम लोग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को घनाभ का कुछ प्रमुख फार्मूला बताऊंगा। दोस्तों बहुत अच्छा ट्रिक से बताने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि आज तक किस YouTube के अंदर कोई इस तरह का ट्रिक बताया होगा फार्मूला को याद करने का। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊंगा घनाभ का आयतन, बताऊंगा आयतन का सूत्र क्या होता है, और इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ बताऊंगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र बताऊंगा दोस्तों, मतलब वक्र पृष्ठ आप लोग बोल सकते हो, इसके बाद विकर्ण बताऊंगा। तो दोस्तों ये चार फार्मूला आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम, पीएससी, रेलवे, एसएससी सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बताऊंगा आप लोग को आयतन, तो उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि यह क्या क्या है। एक घनाभ है, ठीक है। घनाभ में क्या होते हैं, लंबाई, उसका चौड़ाई और उसका ऊंचाई का मान अलग अलग होता है, मतलब कि उसका लंबाई, कुछ लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई छोटा होगा, ऊंचाई कुछ और भी होगा, मतलब इसका मान अलग होता है। और घन का मान बराबर होता है, चौड़ाई लंबाई और ऊंचाई बराबर लंबाई के होते हैं, उसको घन कहा जाता है, लेकिन अलग अलग लंबाई रहता है तो उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। चलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि ये सब आपको पता है, ठीक है। चलिए इसको मैं बताता हूं, लंबाई को यल से दर्शाया जाता है, हाइट को एच से दर्शाया जाता है, और इसका चौड़ाई को बी से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आयतन का मतलब होता है कि उसके अंदर हम लोग कितना सामान रख सकते हैं, मतलब ये घनाभ है तो इसके अंदर हम लोग कितना सामान को रख सकते हैं, उसी को आयतन कहा जाता है। घनाभ का आयतन मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए यह एक ठो एरिया है, ठीक है। इस एरिया में मैं ईटा रखूंगा, ऐसे करके ईट रखूंगा, ठीक है, इस ऐसे करके ईट रखूंगा, ठीक ना, ये ऐसा ये हो गया। तो हम लोग एक दो तीन और एक दो तीन चार, तो दोस्तों हम लोग को इस पूरे ईंट को काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर से जितना ईंटा है और इधर से जितना ईंटा है उस दोनों को गुणा कर देना पड़ता है, तो पता चल जाता है इसके अंदर कितने ईंटे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं काउंट करता हूँ, एक दो और तीन, इधर से एक दो तीन ठो ईंटा है, इधर से एक दो तीन चार ठो ईंटा है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि तीन गुणा चार मतलब 12 ठो ईंटा इसके अंदर है। गिनू क्या, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह 12 ठो ईंटा है। मैं क्या किया, चौड़ाई और लंबाई को गुणा कर दिया बस, तो पता चल गया इसके अंदर कै ठो ईंटा है, ठीक। और अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर भी, इस ईंटा के ऊपर, इस ईंटा के ऊपर भी और कुछ कुछ ईंटा रख दिया जाए, तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों उस टाइम में क्या करते हैं, ऊपर से भी कितना ईंटा है उसको भी गिन लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ईंटा कुछ रखा है, एक दो तीन चार ठो ईंटा उसके ऊपर में भी रखा है, तो चार यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि ऐसे ऊपर में भी कितना ईंटा रखा हुआ है, मतलब उसी को बोलते हैं हम लोग घनाभ का आयतन। घनाभ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं घनाभ का आयतन। कहने का मतलब हम लोग का ये है कि अगर मैं लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को अगर मैं गुणा कर दूं, ऐसे बनाता हूँ, ये क्या है लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है, और ये क्या है उसका ऊंचाई है, इस तीनों को अगर मैं गुणा कर दूँ तो घनाभ का क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है।
ठीक है, इसको यल से दर्शाया जाता है, इसको यच से दर्शाया जाता है और इसको बी से दर्शाया जाता है। मतलब यल गुड़ा बी गुड़ा यच कर दिया जाए तो यही क्या हो जाता है, इसका आयतन हो जाता है। मतलब उसके अंदर कितना सामान हम लोग रख सकते हैं। अच्छा उदाहरण है कि कितना इसके अंदर कितना ईंट आ जाएगा उसको अगर ज्ञात करना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देंगे तो उसका आयतन आ जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ, इसका फार्मूला यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन हो जाता है किसका, घनाभ का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का कि इसका संपूर्ण पृष्ठ मैं बताता हूं आप लोग को। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग आयतन पढ़े, आयतन में मैं बोला कि उसके अंदर कितना वस्तु हम लोग डाल सकते हैं, और इस संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है उसके बाहरी आवरण को, बस बाहर में जो रहता है ना उसको ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक डब्बा यहाँ पे रखा हूँ, इसको मैं घन में भी बताया था, उसी में घनाभ में भी इसको भी बता रहा हूँ। मतलब इसका एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र है और ये क्षेत्र है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छह फलक होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये छह फलक का हम लोग अगर क्षेत्रफल ज्ञात करके और उसको जोड़ दें तो वही क्या हो जाता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। ये सभी छयों क्षेत्रफल को ज्ञात करके हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए देखिए यहां से चालू करता हूं, ये मान लीजिए क्या है, ये घनाभ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। यहां लिखता हूं लंबाई, लंबाई गुणा ऊंचाई लिखता हूं, ऊंचाई, ये लंबाई और ऊंचाई इसका मैं ज्ञात कर लिया तो देखिए दोस्तों ऐसी सेम टू सेम इधर भी है एक ठो। ठीक है, तो इधर वाले को भी सेम लिख देता हूं प्लस करके लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा ऊंचाई ये इसको और इसको तो हम लोग कर लिए। ठीक है, इधर देखिए चौड़ाई गुणा क्या है, चौड़ाई गुणा है ऊंचाई, इधर वाले को कर रहा हूँ। ठीक, प्लस करके मैं कर दूंगा चौड़ाई गुणा क्या कर दूंगा, ऊंचाई कर दूंगा। ठीक, तो इधर वाला हो गया, लेकिन इसके पीछे सेम टू सेम ऐसी है इसके पीछे, तो उसको भी एक बार और लिख दूंगा प्लस करके, क्या कर दूंगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दूंगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया। लेकिन उसके ऊपर और नीचे भी है तो इसको भी करना पड़ेगा, ये क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई है ये और ये है क्या चौड़ाई है। ठीक है, तो इधर लिखता हूँ लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेकिन यहाँ है तो इसके नीचे भी एक है। ठीक है, इधर वाला, तो उसके लिए प्लस करके मैं लंबाई गुणा क्या कर देता हूँ चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई होगा, चौड़ाई यहाँ पे चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। चलिए देखते हैं हम लोग का छयों फलक का क्या मिल गया, क्षेत्रफल, और उसको हम लोग जोड़ दिए। ठीक, देखिए कौन कौन सा फलक, एक फलक, दो फलक, तीन, चार, पाँच और एक छः, छयों फलक मिला। ये फलक 1, 2, 3, 4, 5 छयों फलक को फिर मैं क्या किया, जोड़ दिया, तो वही क्या हो जाता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे है लंबाई, लंबाई ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इस दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 लंबाई गुणा ऊंचाई, 2 लंबाई गुणा ऊंचाई लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर सेम है चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना, तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं क्या, प्लस करके 2 क्या है चौड़ाई है, चौड़ाई गुणा है गुणा ऊंचाई हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद 2 लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई है ये भी सेम टू सेम है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ लिखता हूँ मैं
तो इसको मैं कैसा लिख दूं क्या, देखिए एक स्टेप में यहाँ लिखता हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सेम ऐसी लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या क्या टू 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 यहाँ भी दिख रहा है, एक बार मैं इसको सेम टू सेम यहाँ लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, दो लंबाई और क्या है ऊँचाई है, ऊंचाई लंबाई और ऊंचाई, फिर क्या है प्लस के बाद दो चौड़ाई और ऊंचाई है, चौड़ाई और क्या है ऊंचाई है, ठीक है। इसके बाद क्या है लंबाई चौड़ाई है, दो लंबाई और चौड़ाई है, ये हो गया ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो 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 है, तो दो 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 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, लंबाई गुड़ा ऊंचाई बच जाएगा, लंबाई गुड़ा ऊंचाई बच जाएगा, प्लस को डाल दूंगा फिर क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुड़ा में ऊंचाई हो जाएगा, फिर प्लस को कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुड़ा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिखा रहता है कहीं कहीं के कि लंबाई क्या हो जाता है यल से दर्शाते हैं, ऊंचाई को यच से दर्शाते हैं, प्लस में लिख देता हूँ प्लस, चौड़ाई को बी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं यच बोलते हैं ऊंचाई को, फिर से प्लस लिख देता हूँ लंबाई और फिर क्या हो जाता है चौड़ाई, ठीक है। यह हो जाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, मतलब बाहरी आवरण, मतलब उसमें चादर जो लगा रहता है ना उस चादर को कहा जाता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या हो जाता है घनाभ का, तो 2LH प्लस BH प्लस LB हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला पढ़ेंगे चार दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। चार दीवार का क्षेत्रफल हम लोग बोल सकते हैं उसको वक्र पृष्ठ, ठीक। वक्र पृष्ठ का फार्मूला मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों, घनाभ का वक्र पृष्ठ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है चार दीवार का क्षेत्रफल, मतलब बोल सकते हैं हम लोग किसी रूम, कोई भी रूम है तो उसका एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, मतलब उसके जमीन वाले भाग को, ऊपर वाले सीलिंग को, दोनों को छोड़ देना है, टॉप को और बॉटम को छोड़ देना है, बाकी पूरा दीवार को ले लेना है, ठीक है। चलिए इस डब्बा से ही मैं बताता हूँ कि इस दीवार को, इस दीवार को और इस दीवार को और इस दीवार को क्षेत्रफल निकाल के उसको जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा चार दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ, ये क्या है लंबाई है और ये है ऊंचाई, ठीक। यहाँ लिखता हूँ लंबाई गुणा में ऊंचाई, ये हो गया इधर का, तो इधर भी सेम टू सेम वैसी है एक ठो और, तो फिर से प्लस करके लिख देता हूँ लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक। ये वाला भाग और ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकाल के मैं जोड़ दिया, ठीक। अब इधर का आता है तो क्या हो जाएगा ऊंचाई और चौड़ाई, तो प्लस करके फिर से लिख देता हूँ क्या चौड़ाई, चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है। फिर इधर का ले लिए तो इधर भी बाकी है तो सेम टू सेम हो जाएगा चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा ऊंचाई प्लस में, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेम सेम क्या क्या है, तो लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, तो अगला स्टेप में मैं लिख दूंगा टू लंबाई और ऊंचाई, टू लंबाई और ऊंचाई, फिर प्लस में लिख दूंगा चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पर लिखा हूँ चौड़ाई ऊंचाई यहाँ है तो हम लोग लिख सकते हैं दो चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। टू चौड़ाई ऊंचाई लिख सकता हूँ क्या, अब यहाँ पे देखिए दो और दो कॉमन निकाल लेंगे, दो कॉमन निकल गया तो क्या बच गया लंबाई गुणा ऊंचाई, प्लस में लिख दूंगा चौड़ाई गुणा, चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। चलिए ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे मैं, इधर क्या लिखा हूँ टू लंबाई गुणा में ऊंचाई और फिर क्या लिखा हूँ प्लस करके चौड़ाई लिखा हूँ और क्या लिखा हूँ गुणा में ऊंचाई लिखा हूँ,
ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला स्टेप में टू है, टू को लिख दिया यहाँ पर ऊंचाई और ऊंचाई, इधर भी ऊंचाई है और इधर भी ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई को भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, लंबाई लिखूंगा प्लस में क्या लिखूंगा, चौड़ाई लिखूंगा और ऊंचाई को इस साइड निकाल दूंगा, इधर लिखो या फिर इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा लिखा मिलता है, इसको बुक में टू लिखा रहेगा और यल यल रहेगा, लंबाई का मतलब यल रहेगा प्लस में चौड़ाई का मतलब बी होता है और ऊंचाई का मतलब यच होता है, मतलब यही हो जाता है चार दीवार का क्षेत्रफल, टू एल प्लस बी फिर कोष्टक के बाहर में यच मतलब हाइट उसका, ठीक है। इसका फार्मूला क्या हो जाता है, 2L प्लस H, L प्लस B और फिर H गुणा में, ठीक है। चलिए ये हो गया वक्र पृष्ठ, अब हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण, ठीक, मतलब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। अगला हम लोग का है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। घनाभ का विकर्ण हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से इस कोना तक एक रेखा ऐसा, ये यही होता है इसका विकर्ण। लेकिन हम लोग को इस कोना से इस कोना तक ज्ञात करने के लिए, उस लंबाई को ज्ञात करने के लिए नीचे के तल में जो है, ये वाला जो है नीचे में जो है उसका विकर्ण को पहले निकालना पड़ेगा। इस वाले विकर्ण को निकाल देंगे तो हम लोग का कुछ इस प्रकार से ऐसे त्रिभुज टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालते हैं, इसका मान यल है, इसका मान बी है, ठीक है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से निकालते हैं हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को, हम लोग पाइथागोरस से बनाते हैं तो क्या हो जाता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है, चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग को इसको हटाना है, इसको विकर्ण का स्क्वायर को हटाना है तो इधर में क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा, यल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर कर देना पड़ेगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा इस रेखा का मान, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं अब, ठीक है। देखिए हम लोग का इसका ये वाला खड़ा लाइन जो है उसका मान क्या है, एच है, और इसका मान इस टाइप का है, तो हम लोग निकाल सकते हैं फिर से पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिखते हैं अंडर रूट में यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर वर्ग किया जाता है, पाइथागोरस से निकाल रहे हैं इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लिखूंगा, फिर ये वाला इसको हाइट को कर दूंगा एच, एच का स्क्वायर पाइथागोरस नियम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये टू से, ये कर्णी कट जाएगा, बराबर के उस पार हो जाएगा, यल के स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर अंडर रूट कर देंगे, मतलब विकर्ण बराबर यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फिर इसको अंडर रूट में कर देंगे, कर्णी के अंदर में कर देंगे तो इसका जो घात था दो वो हट जाएगा, स्क्वायर जो था वो हट जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है विकर्ण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग को यह फार्मूला समझ में आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग घन और घनाभ का कुछ क्वेश्चन करेंगे, इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।